कल बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई, मुर्गियों को तो ढक दिया अच्छे से, और अब हमने ढकना है अपने तोतों को। जल्दी से चलते हैं। बिल्ली भी यहाँ पर बैठी हुई है, बारिश की वजह से कैसी चमक रही है इसकी आंखें। इतनी तेज बारिश आ रही है ना, कसम से इसके अंदर अंडे दिए हुए गुगे ने, वो भी ना ख़राब हो गए, इतने ज़ोर से बादल जो है ना वो गरज रहे। हम लोगों के गमले देखें ज़रा फुल पानी से भर गए, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश। शुक्र है पहले ही ढका हुआ है, पता नहीं किसने ढक दिया था। ये पानी तो यार पानी थोड़ा थोड़ा सा अंदर चला गया इसके, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं गया तो ठीक है। हाँ भाई तोतो ठीक हो ना, घबराने की बात नहीं है, ओके आराम से इंजॉय करो बस बारिश को। चलो यार हम इसे ढक लेते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। देखें जरा कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश, हर तरफ बादल ही बादल है, देखें ज़रा। वाह ये देखें यार, ये इसके अंदर सूरजमुखी के निकल आए हैं पौधे, और गुप्पी अब यहाँ पर आकर बैठ गया। बारिश देखें ज़रा कितनी तेज़ बरस रही है, ये तो ओले हैं। ओए 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 यार देखें ज़रा आप लोग, ओले निकल रहे हैं यार, बर्फ़ आ रही है बर्फ़। ये देखें मेरा मोबाइल ना ख़राब हो जाए, मैं तो भाई वापस जा रहा हूँ। अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? आपको उम्मीद करता हूँ आप तो खैर से होंगे। यार ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और मैं नीचे कमरे में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहा था, और बाहर इतने ज़ोर से बादल गिर जाएगा, मैं डर गया। मैं फ़ौरन से ऊपर आया, ऊपर आकर मैंने देखा था यार यहाँ पर ना पानी पानी खड़ा हुआ था हमारा, तो अभी मैं आया हूँ ऊपर छत पर, और मैंने सबसे पहले इनका जो शॉपर है ये ढका है, और हम लोगों ने अपनी एक मुर्गी के अंडों को बिठाई थे, तो फिर मैं डर गया। मैं कहा यार हम लोग मुर्गी के अंडे ही ना ख़राब हो जाए बादल गरजने की वजह से ना, तो फिर अभी बारिश रुकती है तो हम देखेंगे कि ये अंडे ख़राब हुए हैं या नहीं, और खुद्डों के अंदर पानी तो नहीं चला गया। तो फिर अभी हम लोग बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे। तो यार फाइनली ये देखें बारिश जो है वो रुक चुकी है, और अब हम लोग अपना ये जो खुड्डों के ऊपर हम लोगों ने शॉपर रखा था इसे मैं हटाने लगा हूँ वापस, देखते हैं कि पानी जो है वो अंदर तो नहीं चला गया इसके अंदर। अभी मैं हटा देता हूँ इसी तरह, बहुत भारी शॉपर है, मैं गीला हो गया। चलो हटा दिया। तो यार चूज़ों के खुड्डों में भी नहीं गया यार, ये जो मुर्गियाँ ना इसके अंडे ना ख़राब हो गए, बादल बहुत ज़ोर से गिर जाता, देखने पड़ेंगे इसके अंडे। ये भी ठीक है और इसमें भी नहीं गया, ये मेरे चूज़ों का क्या हाल है ये देखते हैं। इनके में तो बिल्कुल भी नहीं गया, बब्बर शेर हैं भाई ये तो, इधर देखते हैं। ओए ओए ये क्या है? ओ यार हमारी देसी मुर्गी ने अंडा दी। एक मिनट यार मैं खोल के देखता हूँ ज़रा इसे। ओए यार दोस्तों ये देखे, हमारी देसी मुर्गी ने आज पहली दफ़ा अंडा दिया था, और ये लोग उसे लगता है तोड़ के खा चुके हैं। ये देखें पहली दफ़ा इसने अंडा दिया था यार, मुर्गी ये क्या कर दिया, अंडा ही तोड़ दिया। चलो यार इन्हें हम खोल ही देते हैं, आ जाओ भाई बाहर आ जाओ तुम लोग। तो ये इनका भी सूखा ही हुआ है, नहीं गया पानी इसके में भी नहीं गया, और इसके में भी नहीं गया। मैंने सारे खुटे देखे थे, किसी के अंदर भी पानी जो है वो नहीं गया, लेकिन यार हम लोगों की इस मुर्गी ने अंडा तोड़ दिया अपना। शिट यार बड़ा दुख हो रहा है इसका, मुझे इसलिए ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि मैं रोज़ इसके अंडे का पूछता था वगैरह से कि ये कब अंडा देगी, और आज इसने फाइनली अंडा दिया था, लेकिन इसने अपना अंडा ही तोड़ दिया यार। एक खुद और भी उसके अंदर भी हम लोगों ने ना मुर्गियाँ बंद की, मैंने अभी भी ये वाला देखा इसके अंदर, देखे पानी गया हुआ है, लेकिन हम ना इसके अंदर अपनी मुर्गियाँ बंद नहीं करते, तो इस वाले के अंदर हम करते हैं, इसके अंदर देखते हैं पानी गया हुआ है कि नहीं। हाँ यार ये देखो इसके अंदर पानी गया हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने मिट्टी डाली है, जिसकी वजह से ना पानी जज्ब हो गया मिट्टी के अंदर। चलो यार अब हम लोग नीचे जाके अपने तोतों को देखते हैं, लोगों की कॉलोनी है उसके अंदर पानी गया है। ये देखें यार ये मैंने तोतों के लिए बीज लाया था सूरजमुखी के, क्योंकि वो खाते हैं, तो वो उन्होंने कम में खाए तो बच रहे थे, ज़्यादा खा नहीं रहे थे, तो मैंने ना इधर इसके अंदर वो ना लगा दिए थे, और इसके अंदर देखें कितने ज़्यादा सूरजमुखी के पौधे पौधे निकले हैं, ये काफ़ी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं। ये देखिए हम लोगों का पुदीना भी कितना मज़े का लग रहा है यार, ये सर सब्स, ये हम लोगों के एलोवेरा, और जो हम लोगों के टमाटर के पौधे थे वो मैंने उधर किनारे पर भिजवा दिए थे, वहाँ पर उसके ना बहुत ही ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा लाल लाल हो गए हैं यार। इसे हटाते हैं, कपड़े को बहुत ही ज़्यादा गीला हो गया ये, इसे मैं ना ज़रा सुखाऊंगा। ये देखिए यार ये पानी जो है ना यार ये साइडों से नहीं अंदर जाता, ये सामने से ही अंदर जाता है जब बारिश आती है ना, तो इतने की खैर है अब ये धूप वगैरह निकल आएगी तो ये सारा साफ़ हो जाएगा, वरना मैं खुद इसे साफ़ कर दूंगा। और हम लोगों के तोते कितने मज़े से यहाँ पर रह रहे हैं, ये तोते जो है ना ये भी बहुत जल्दी अंडे देने वाले हैं, ये ना खुद्जे के पास जाने लग गए, उनके अंदर झांकते हैं अब, तो इन एक दो हफ्ते में इंशाल्लाह ये अंडे देने लग जाएंगे। यार पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि ना इस डब्बे के अंदर ना फाख्ता जा रही थी, ये देखें
इस वाले के अंदर। और मैंने कल देखा है कि इसके अंदर इसमें ना दो से पता नहीं एक अंडा दिया होता, तो मैं आप लोगों को भी अभी दिखाता हूँ, देख के आगे उसके अंदर ना बैठे ना तो अंडे नज़र आ रहे होंगे। ये देखें यार, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंडा रखा हुआ है अभी तक। ये कल दिया था मेरे ख्याल से, या शायद परसों दिया होगा। A few moments later. तो यार ये देखो सूरज भी निकल आया है और यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बस यार आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग बस दुआ करना कि हम लोगों की ये जो मुर्गे के अंडे हैं ये ख़राब ना हुए हों। वैसे ही उन्हें सेट कर रही है, तो बस आप लोग इनके लिए दुआ करना कि यार ये ख़राब ना हो जाए। यार मैंने आप लोगों को एक और बातें बतानी थी, ये देखें ज़रा, आप लोग देख रहे होंगे हम लोगों के चूज़े जो हैं ये सिर्फ तीन हैं। इसका मतलब है हम लोगों का जो एक चूज़ा है वो मर गया है। हाँ यार ये देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो रहा है अब। यार एक चूज़ा मर गया, हम लोगों एक इनमें से मर गया, चार थे। और ये देखें ये जो अभी मुर्गे निकाले थे ना ये आठ थे, ये इनमें से भी एक मर गया। एक हफ्ते में हम लोगों के दो चूज़े मर गए हैं। तो यार आप लोग इनके लिए भी दुआ करें कि हम लोगों के जो चूज़े हैं ना ये बीमारी से बच जाएँ, क्योंकि आगे आगे मुझे लगता है कि बीमारी आएगी। तो आप लोग बस दुआ करें कि ये बिल्कुल सेहत जाप रहें। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को भी एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉलो से सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।